उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया क्लास 9 मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2। उसकी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम इसकी 2.5 एक्सरसाइज करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंपलीफाई करना हमने इसको। और इसको करने से पहले आपको बस एक बार याद रखनी है कि जो आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1। एक वैल्यू अपने माइंड में रखनी है और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। इस अमाउंट को, ऊपर वाली पावर को इस तरह तोड़ देना है कि वो 2 के टेबल में आ जाए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 6 और आयोटा अलग करके। अब आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3। स्केल क्यों बनाया ताकि हम इसकी जो वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से। इधर आएगा -1 की पावर 3 आयोटा साथ, वैसे -1 की पावर 3 कहां से आएगा, माइनस। तो आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो माइनस आयोटा इसका आंसर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट को अगर देखें, ये ऊपर पावर इवन है। एक बार याद रखें, जब बेस माइनस में हो और ऊपर पावर इवन हो तो प्लस में आंसर आता है, बेस माइनस में ऊपर पावर ऑड हो तो माइनस में आंसर आता है। तो अब हमारे पास ये है बेस जो माइनस में है, ऊपर पावर इवन है तो प्लस में ये आंसर आ जाएगा इसका जे। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आयोटा स्क्वायर की जगह फिर -1 लगाएंगे, ऊपर पावर 4। अब फिर बेस की पावर इवन है तो +1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। अब बेस की पावर ऊपर -5 आ, इसका मतलब इसका पहले आएगा माइनस आयोटा की पावर 5। इसको हम तोड़ के इस तरह लिखेंगे आयोटा की पावर 4 के आयोटा अलग, इस आयोटा लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का के, और आयोटा स्क्वायर के लिए का -1 की पावर 2 आयोटा, -1 की पावर 2 +1 हो जाएगा, लेकिन ये -1 और ये आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट। बाकी पार्ट ऊपर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की बात। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक चीज आप थोड़ी सी देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है z = a + a / b। a और b कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जिसके साथ आई आयोटा लिखा हो वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो आयोटा के बगैर हो वो रियल पार्ट होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, इसका बार कैसे लिया जाता है, कि दरमियान वाले का साइन चेंज कर दिया जाता है। आयोटे वाली अमाउंट का साइन चेंज करना है तो आपके पास कॉन्जुगेट आएगा। सिंपल, जो भी आयोटे वाली अमाउंट होगी उसका साइन चेंज करते हैं, आपके पास उसका कॉन्जुगेट आएगा। हमने इनका भी कॉन्जुगेट ही फाइंड करना है, तो सिंपली हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस 5 आयोटा, वो क्या होगा 3 प्लस 5 आयोटा। इसी तरह कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आयोटा, इसका क्या होगा प्लस आयोटा। सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। इसी तरह हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा माइनस 3, आयोटे वाले का साइन चेंज करने की प्लस में है तो ये माइनस आयोटा माइनस है। ये थे हमारे पास कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका। इसके कुछ टीम पार्ट भी हैं, बाकी पार्ट तो ट्राई करेगा हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कि ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने, अलग अलग बताने रियल पार्ट क्या और इमेजिनरी पार्ट क्या। आपको बता दें कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटे के साथ वाला वो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटे के बगैर वाला रियल पार्ट है। तो इसी तरह हम इसका लिखेंगे पहले रियल पार्ट, वो क्या होगा -1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा होगा 2। आयोटा के साथ लेकिन बस इमेजिनरी पार्ट बताने के, आयोटा के साथ क्या है। इसी तरह इसका रियल पार्ट हम बताएंगे, रियल पार्ट इसमें तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 -3 आयोटा। ठीक है,
तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, जीरो। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, माइनस थ्री। सिमिलरली इसका बताएंगे रियल पार्ट, इसमें रियल पार्ट टू है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, योटा के सर क्या है, जीरो। ये हमारे पास थे क्वेश्चन नंबर बी के थ्री पार्ट, हमने सॉल्व किए हैं, बाकी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं वो क्या। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमने क्या करना है, रियल पार्ट को इकट्ठा करना है एक्स प्लस वन, और इमेजिनरी को अलग कर देना है। इसी तरह यहाँ पे इसको सेम एलिप्स लिख देना है। अब करना क्या, रियल पार्ट को रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के लिख देना। आपने कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल रियल के इक्वल एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस वन, तो एक्स कौन सा आ गया, थ्री। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी के इक्वल y इज इक्वल टू माइनस थ्री। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई x एंड y की। ये थी हमारे आज की एक्सरसाइज 2.5 जो कि मुकम्मल हो चुकी है। बाकी अपने जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।